नमस्कार, मैं प्रिया। आज 14 मई, चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 के मामले में लगातार बढ़ोतरी जारी। बिहार में कोविड 19 का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बीते दिन पांचवें अपडेट तक 74 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद बिहार में मरीजों का आंकड़ा 953 हो गया है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने जारी किया है। वहीं प्रभावित लोगों के जिले में संख्या की बात करें तो नवादा में 9, पटना में 9, भोजपुर में 7, भागलपुर में 6, बांका में 4, सिवान में 4, मुजफ्फरपुर में 3, सुपौल में 3, बक्सर में 3, बेगूसराय में 7, रोहतास में 3, खगड़िया में 3, गोपालगंज में 2, कैमूर में 1, मधुबनी में 1, लखीसराय में 1, ईस्ट चंपारण में 1, औरंगाबाद में 1, मुंगेर में 6 मामला सामने आया है। जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने आनन फानन में प्रभावित इलाके को सैनिटाइजेशन करवाने की प्रक्रिया को तेज करवाने की अपील की है। साथ ही सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा है। कोविड 19 के चपेट में आया बिहार का आखिरी जिला भी। बिहार में 38 में से केवल 37 जिले ही कोविड 19 की चपेट में थे। वहीं अब आखिरी बचा जमुई जिला भी अब कोविड 19 की जद में आ गया है। जमुई से भी संक्रमित मामलों की खबर सामने आई थी, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। खबरों की माने तो पाए गए प्रभावित युवक हाल ही में मुंबई से जमुई आया था। इसके बाद एहतियात के तौर पर उस व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आए सभी लोगों की जाँच जल्द से जल्द करवाई जा रही है। बिहार में कोविड 19 से 7वें व्यक्ति की गई जान। बिहार में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कोविड 19 से जान गंवाने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिन बिहार में एक और व्यक्ति ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार जान गंवाने वाली महिला पटना के आलमगंज थाना के माखनपुर ईदगाह के रहने वाली थी। हालांकि अस्पताल ने यह भी बताया है कि वह पहले से ही कई सारी चीजों का इलाज करवा रही थी और यही कारण है कि वह कोविड 19 के प्रभाव को बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके बाद पूरे राज्य में अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में कोविड 19 की जांच के लिए 13 जिले में लगेंगे 15 मशीन। बिहार में कोविड 19 का असर भले ही बढ़ता जा रहा हो, लेकिन सरकार भी अपनी तरफ से कोविड 19 प्रभावितों को चिन्हित करने के लिए जरूरी कदम समय समय पर उठा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर कोविड 19 की जांच में तेजी लाने के लिए 13 जिलों में 15 नई मशीनें लगाए जाने का ऐलान जारी किया गया है। इसके साथ ही जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में जाँच की सुविधा भी शुरू करवाई जाएगी। खबरों की माने तो 22 मई तक 13 और जिलों में जाँच की सेवा की शुरुआत की जाएगी, जिसके बाद बिहार में कोविड 19 प्रभावितों को चिन्हित करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। बिहार पुलिस मुख्यालय को किया गया बंद। कोविड 19 के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय को 72 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। गृह विभाग के ऑफिस के बाद अब पुलिस मुख्यालय पूरी तरीके से बंद है। खबरों के माने तो पटेल भवन में डीजीपी कार्यालय समेत सभी ऑफिस को बंद किया गया है। सिर्फ यहां पर स्थिति आपदा विभाग का ऑफिस खुला रहेगा, बाकी पूरे ऑफिस को सैनिटाइज किया जा रहा है। आपको बता दें, गृह विभाग के एक सहायक में कोविड 19 पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद विभाग के सभी कर्मियों का संपर्क में रहने के कारण गृह विभाग में कोविड 19 बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर कार्यालय को पूरी तरीके से बंद करवा दिया गया है। जमीन के दस्तावेज के ऑनलाइन सुधार की प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बीते दिन से राज्य में जमाबंदियों की गड़बड़ियों में सुधार के लिए अंचल कार्यालय का काम शुरू हो गया है। हालांकि अब किसी भी आम नागरिक को अंचल कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि जमीन के दस्तावेज में हर तरह की गड़बड़ियों को अब ऑनलाइन स्तर पर सुधारा जाएगा। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में परिमार्जन नाम का एक वेब पोर्टल बनाया गया है, जिससे कि बीते दिन विभाग के मंत्री रामनारायण मंडल ने लॉन्च कर दिया है। पोर्टल के लॉन्च होने के बाद आम नागरिकों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी और उन्हें अंचल कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। परदेश में फंसे मजदूर अब निजी वाहनों से भी आ सकते हैं बिहार। उक्त आदेश बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि पहले सरकार ने प्रवासियों को सख्त निर्देश देते हुए यह साफ कह दिया था कि सरकार सिर्फ उन्हीं प्रवासियों की जिम्मेदारी ले रही है जो सरकारी वाहन से बिहार वापस लौट रहे हैं। हालांकि अब अपने आदेश में बदलाव करते हुए निजी वाहन या फिर भाड़े के वाहन से बिहार आने की अनुमति दे दी गई है, बशर्ते इन लोगों के पास संबंधित राज्य के प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा पास निर्गत किया गया हो या फिर पास निर्गत करने वाले पदाधिकारियों के द्वारा बिहार से संबंधित जिला के डीएम को सूचना दी गई हो, अन्यथा इन्हें बिहार में एंट्री नहीं दी जाएगी। जल्द ही मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट की हो सकती है घोषणा। बिहार में जल्द ही मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। बिहार सरकार के माने तो मैट्रिक की कॉपी के मूल्यांकन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ज्यादातर जिलों में मूल्यांकन का काम पूरा हो चुका है। पटना जिले में भी बीते दिन मूल्यांकन का काम पूरा हो गया है। वहीं पटना डीईओ कार्यालय के माने तो अब केवल 19,000 के लगभग उत्तर पुस्तिकाएं केवल 2 मूल्यांकन केंद्रों पर बची हुई थी, जिसकी जांच बीते दिन पूरी कर ली गई है। जिसके बाद अब रिजल्ट के जारी होने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई है और कभी भी अब मैट्रिक के छात्रों का रिजल्ट को जारी किया जा सकता है। बिहार सरकार की मांग पर ट्रेन चलाने को तैयार हुई रेलवे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक एलसी त्रिवेदी ने बीते दिन पटना जंक्शन का दौरा किया है, जहां पर उन्होंने यात्रियों की आवाजाही से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ईसीआर तुरंत परिचालन को तैयार है, क्योंकि रेलवे हर रोज बिहार में 1,00,000 लोगों को लाने की क्षमता रखता है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि अब तक बिहार के 178 ट्रेनों का परिचालन किया जा चुका है। हालांकि कोविड 19 की वजह से अब तक रेलवे को 1,000 करोड़ का नुकसान भी हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोविड 19 के इस माहौल में दूसरे राज्य में फंसे प्रवासियों को वापस लाने के लिए बिहार सरकार
ने रेलवे से ट्रेन चलाने की मांग की थी। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए भी बीते दिन से विभिन्न राज्यों के लिए भी ट्रेन शुरू की गई है। बीएसईबी के स्क्रूटनी के लिए 25 मई तक अप्लाई करने की है अंतिम तारीख। बिहार बोर्ड से परीक्षा दे चुके छात्रों की कॉपियों की स्क्रूटनी के लिए 25 मई तक सभी अभ्यर्थियों से आवेदनों की मांग की है। जो कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन भरना होगा। इतना ही नहीं, बीएसईबी ने स्क्रूटनी की प्रक्रिया की जानकारी के लिए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कैसे अप्लाई करना है। बिहार के आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी दिया जाए 50 लाख का बीमा। समाज कल्याण विभाग के निदेशक ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर इस बात की मांग की है, जिसके तहत यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कोविड-19 के कारण जान गंवाने वालों को 50 लाख की बीमा योजना में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को भी शामिल किया जाए, क्योंकि बिहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को भी आशा कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर कोविड-19 के लिए सर्वे करके आइसोलेशन में डालने और जागरूकता फैलाने का काम में डाला गया है। इसीलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी कोविड-19 प्रभावितों के सीधे संपर्क में आने की संभावना बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार को आंगनबाड़ी सेविकाओं के हित में भी यह फैसला सुनाना चाहिए। पटना से जल्द उड़ान भरने लगेंगे विमान। पटना से रेलवे के परिचालन के बाद अब जल्द ही विमानों की आवाजाही शुरू हो सकती है। हालांकि अभी विमान के उड़ान से संबंधित तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पटना एयरपोर्ट में गतिविधियां बढ़ा दी गई है। नगर विमानन मंत्रालय ने बीते दिन स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोड्यूसर जारी किया है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर फ्लाइट की सेवा की शुरुआत की जा सकती है। पटना एयरपोर्ट के अधिकारियों की माने तो विमानन कंपनियों के साथ ही हाल ही में एक बैठक की गई है, जिसके बाद इस बात की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने किया मुंगेर का दौरा। कोविड-19 बड़ी तेजी से बिहार में अपने पैर पसार रहा है। वहीं बिहार के कुछ जिले बुरी तरह से इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से मुंगेर जिले का नाम शामिल है। वहीं मुंगेर जिले में कोविड-19 के रोकथाम के लिए जारी की गई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे मुंगेर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही रेड जोन वाले एरिया का निरीक्षण भी किया है। जिसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि कोविड-19 से बचना है तो सभी लोग घर से बाहर ना निकले। हमारे पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनकी मदद करें। सड़कों पर कुछ वाहनों को छूट दी गई है, ऐसे में सभी लोग वहम ना रखेगी, छूट सबके लिए है। दिल्ली सरकार ने प्रवासी बिहारियों का खर्चा उठाने का किया दावा। दिल्ली सरकार ने बिहार के कामगारों को बुधवार को 3 श्रमिक विशेष ट्रेनों से उनके गृह राज्य भेजने का खर्चा देने का दावा किया है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने यह दावा किया है कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार से जब खर्चे की बात की गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और यही कारण है कि यहां से रवाना होने वाली सभी ट्रेनों का किराया दिल्ली सरकार ने ही दिया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने 2400 से ज्यादा मजदूरों को स्टेशन तक पहुंचाने के लिए 100 बसें और अन्य इंतजाम किए जाने का भी दावा किया है, जिसकी जानकारी दिल्ली सरकार ने अपने आधिकारिक वेबसाइट से साझा की है। दूसरे राज्यों में फंसे जमुई के लोगों को घर बुलाने के लिए चिराग पासवान ने राज्य सरकार को लिखा खत। दूसरे राज्यों में फंसे जमुई के लोगों को घर वापस बुलाने के लिए चिराग पासवान ने सरकार से आग्रह किया है, जिसके तहत उन्होंने दूसरे राज्य में फंसे जमुई के लोगों की घर वापसी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जमुई के लोग कई राज्यों में फंसे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, केरल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में जमुई के लोगों के फंसे होने की सूचना लोगों को मिल रही है, इसीलिए सभी लोगों को वापस बुलाने के लिए बस या ट्रेन मंगाने का प्रयास किया जाए। आज बिहार के सबसे ज्यादा प्रवासी आएंगे बिहार वापस। आज बिहार के सबसे ज्यादा प्रवासी बिहार लौटने वाले हैं, क्योंकि आज 27 स्पेशल श्रमिक ट्रेन से लगभग 37,000 से ज्यादा प्रवासी बिहार पहुंचेंगे। इसके अलावा दिल्ली से चली स्पेशल ट्रेन भी आज सुबह पटना पहुंचेगी। कई अन्य स्पेशल ट्रेन है जो बिहार के अलग अलग स्टेशनों पर यात्रियों को लेकर आने वाली है। हालांकि श्रमिकों के पहुंचने के बाद उनकी स्क्रीनिंग करवाई जाएगी, उसके बाद ही उन्हें उनके जिले में क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा, ताकि उन्हें वहां पर क्वारंटाइन समय तक रखा जा सके, क्योंकि बीते कई दिनों से बिहार में प्रवासियों के काफी ज्यादा कोविड-19 के मामले देखे जा रहे हैं। ऐसे में सरकार किसी भी तरह की ढील नहीं देने का मन बना रही है। कोटा से अब तक 43,000 छात्रों की हुई है वापसी। राजस्थान के कोटा में पढ़ रहे स्टूडेंट्स की घर वापसी के लिए लंबे समय से राजनीति देखने को मिल रही थी। वहीं अब कोटा से अंतिम ट्रेन मंगलवार की शाम को बिहार के लिए रवाना की गई थी, जिसके बाद अब तक कोटा से बीते 23 दिनों में बस और ट्रेन से 43,000 से ज्यादा छात्र सकुशल घर वापसी कर चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोटा में देश के विभिन्न राज्यों के मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए छात्र अक्सर जाते हैं। हालांकि बंद की वजह से हजारों स्टूडेंट्स वहां पर फंस गए थे और घर नहीं आ पा रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए छात्रों की अपील के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें उनके राज्य में वापस भेजने का फैसला जारी किया था।
बिहार में गाड़ी का पास बनवाने की अब कोई जरूरत नहीं। कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण जहां सरकार ने सभी यात्रियों के परिचालन के लिए गाड़ी के पास को बनवाने की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया था, वहीं अब सरकार ने यह साफ कर दिया है कि बिहार के सभी आम नागरिकों को स्टेशन तक पहुंचने के लिए पास बनवाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए गृह विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की ओर से सभी जिलों के डीएम और एसपी को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दे दी गई है, जिसके तहत अब रेलवे का टिकट ही पास के रूप में सभी यात्रियों के काम आएगा और वह 12 घंटे के लिए मान्य होगा। इतना ही नहीं, डीएम कुमार रवि ने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश देते हुए यात्रियों के लिए ऑटो, उबर, ओला, ई रिक्शा आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करवाने का भी आदेश जारी किया है। बिहार की एमएसएमई इकाई कर्मियों और संवेदकों को मिलेगा 20 लाख करोड़ के पैकेज में सबसे ज्यादा लाभ। उक्त बातें उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज जो भारत की जीडीपी का 10% है, उसका सर्वाधिक लाभ बिहार के छोटे इकाइयों वाले उद्योग को मिलने वाला है। 7,280 प्रतिष्ठान जहां 93,775 कर्मचारी कार्यरत है, जिनका मासिक वेतन 15,000 से कम है, तथा निर्माण कार्य में लगे संविदा को मिलेगा। इसके साथ ही 90,000 करोड़ की दी गई राहत कोष से बिहार की बिजली कंपनियां सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने निर्माण कार्य में लगे संवेदकों को राहत देते हुए कार्य पूरा करने की अवधि को 6 महीने तक बढ़ाने का ऐलान जारी किया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार वापस लौट चुके हैं। वहीं बिहार लौटते ही उन्होंने लगातार बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर तंज कसते हुए यह कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि बिहार में कोविड-19 के मद्देनजर चिकित्सीय क्षमता को बढ़ाया जाए। उनसे कोविड-19 संदिग्धों की ज्यादा से ज्यादा जांच कराने के लिए रैंडम और रेगुलर टेस्ट की मांग कर रहा हूं, लेकिन बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की लापरवाही बिहार टेस्ट के मामले में लगातार पीछे होता जा रहा है। टेस्ट में हो रही गड़बड़ियों के लिए पूरी तरीके से मंगल पांडे जी जिम्मेदार हैं। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी के लोन देने का किया गया वादा। उक्त ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बीते दिन किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि छोटे और मंझौले उद्योगपतियों को अब 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी के लोन मुहैया करवाया जाएगा, क्योंकि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान जारी किया था। इस पैकेज के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने विस्तार से बीते दिन जानकारी दी है। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने संबोधन में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों से जुड़े सुधार, बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन जैसे काम किए जाने का भी आश्वासन दिया है। इतना ही नहीं, 41 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर्स के खाते में डीबीटी ट्रांसफर किए जाने का भी दावा किया है। लालू यादव ने एक स्लोगन के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। राजद नेता लालू प्रसाद यादव आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए एक स्लोगन के जरिए टिप्पणी करते हुए यह कहा है कि 15 साल की पंचर सरकार गरीब मजदूर की दुश्मन सरकार, 15 साल की पंचर सरकार जमीनी विकास में बंजर सरकार, 15 साल की पंचर सरकार बर्बाद कर दिए पूरा बिहार, बिलखता नौनिहाल, डबल इंजन की सरकार, बंद करो झूठ का व्यापार। सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही नहीं, इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए ट्वीट जारी किया था। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा में हुई बढ़ोतरी, सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। कोविड-19 के बढ़ते माहौल को देखते हुए सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब इनकम टैक्स रिटर्न 30 नवंबर तक भरा जा सकता है। आमतौर पर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 जुलाई तक ही होती है, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते असर को ध्यान में रखते हुए इस साल से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। इसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने दी है। रोहित शर्मा ने सुरेश रैना को किया याद। भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान सुरेश रैना से बात करते हुए अपने बयान में कहा कि मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप टीम के लिए उपयोगी हैं। वर्तमान समय में भारतीय टीम को आपकी जरूरत है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द भारतीय टीम में वापसी करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपको टीम में होना चाहिए, आप अनुभवी और तकनीकी रूप से काफी मजबूत है। हालांकि इतने लंबे समय से टीम से दूर रहने के बाद वापसी करना आसान नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप टीम में वापस आएंगे। आपके अंदर फील्डिंग और बॉलिंग करने की क्षमता अभी बाकी है। मुझे उम्मीद है कि आप समय बाद फिर से भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, जिसके जवाब में सुरेश रैना ने कहा कि मैं वापसी की कोशिश करूंगा, मेरे अंदर अभी भी काफी क्रिकेट बाकी है। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप ने बनाया एक नया रिकॉर्ड। भारत में कोविड-19 से प्रभावितों को चिन्हित करने के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु सेवा ने अब एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। खबरों की माने तो आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को अब तक 10 करोड़ यूजर ने डाउनलोड कर लिया है। इससे पहले पिछले महीने तक इस ऐप को 7.5 करोड़ यूजर्स ने ही डाउनलोड किया था। वहीं फीचर फोन यूजर्स के लिए सरकार ने IVRC सेवा को लॉन्च कर दिया है, जिससे कि आरोग्य सेतु अब फीचर फोन और लैंडलाइन यूजर के लिए भी आसानी से उपयोगी साबित हो सके। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आरोग्य सेतु ऐप से आसानी से अपने आसपास के इलाके में कोविड-19 प्रभावित व्यक्तियों के इलाके से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि कोविड-19 के
पता लगने के बाद ही यह ऐप आपको आपके आसपास के इलाके से संबंधित जानकारी का नोटिफिकेशन भेज देता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नौशाद खान, विकास शर्मा, अमरनाथ यादव, रविंद्र कुमार, माधव कुमार, सतीश कुमार, सुधीर कुमार यादव, ज्योतिष कुमार, रुदल साहनी, विकास कुमार, दीपक कुमार, अरविंद कुमार, आलोक कुमार उपाध्याय, विकास कुमार सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आए हुए प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।